शमशाद नगर की महायुति की सभा में आए एनसीपी नेता धनंजय मुंडे, पत्रकारों के सवालों का क्या दिया जवाब, सुनिए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 12 नवंबर मंगलवार शाम और रात के समय मुवरा शमशाद नगर परिसर में शिवसेना शाखा से लेकर बिल्कुल शमशाद नगर का पूरा जो चौड़ा रोड का हिस्सा है, यहाँ पर महायुति के उम्मीदवार नजीब मुल्ला की प्रचार सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा को मुख्य रूप से संबोधित किया एनसीपी के नेता पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे ने, और धनंजय मुंडे ने यहाँ पर अपना लगभग आधे घंटे से ज्यादा का भाषण किया, जिसमें उन्होंने विधायक जितेंद्र आव्हाड पर कई बार निशाना साधा, और उसके बाद शिवसेना शाखा में बैठ करके उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। क्या बोले हैं धनंजय मुंडे सभा में, वो बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहे, बहुत मुख्तसर सा, और फिर देखिए पत्रकार परिषद में उनका वार्तालाप। सही वक्त का इंतजार कर रहा था, आज वो सही वक्त है। विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस महायुति के उम्मीदवार नजीब मुल्ला है, उनको जिताने के लिए उनके पीछे भी 750 किलोमीटर दूर का एक भाई धनंजय मुंडे खड़ा है, और दूसरा मैंने कहा था कि सही मौके का इंतजार मैं कर रहा था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो सही वक्त पे बतानी होती है। आपके सामने तकरीर रखते हुए जो अपने आप को इस आवाम से भी बड़ा, भगवान ईश्वर अल्लाह से भी बड़ा समझ रहा है, उसको बताना है कि सही वक्त पे करवा देंगे हदों को एहसास, सही वक्त पे करवा देंगे हदों को एहसास, कुछ नाले खुद को समंदर समझ लेंगे। कड़वा मुमरज की लड़ाई कोणी म्हणता की ही गुरु चेहऱ्याची लढाई आहे, ये लढाई सही और गलत की है, ये गुरु और चेले की लड़ाई नहीं। आज तक जो सही था, राजन भाई हो, नजीब भाई हो, या सभी साथी हो, ये सही है इसलिए इस मंच पे है, और जब गलत है वो सरताज पहने बैठे हुए हैं। एक आदमी जिसकी नजरों से पता चलता है कि वो कितना चलाक हो सकता है, मैंने कुछ दिन पहले एक उनका वीडियो देखा, पवार साहब का और अल्लाह का नाम उन्होंने लिया था। डरता हूं तो इन दोनों से, भाई तू इनको बता सकता है किससे डरता हूं और किससे नहीं, मुझे मालूम है तू अंदर से किससे डरता है। आज मैं आप सबको यही कहने आ रहा हूं, उसके जैसा दुबलापन एक तरफ बोलेगा जो अभी नजीब भाई ने बोला कि समर्थन देते समय मैंने साईं दादा के डर से खींच सही, भाई तुझे डर किस बात का था, दादा का नहीं था, कई ऐसी चीजें थी, तू मेरे सामने, मैं गवाह हूं,
दादा थे, भुजबल साहब थे, सीएम साहब भी थे, सिद्धे साहब, फडणवीस साहब भी थे, मैं भी था और ये अवार्ड भी था। जब ये समर्थन का विषय चल रहा था, साइन तो इसकी भी थी, फिर पता चला कि अगर समर्थन दूंगा तो यहां से कैसे घड़ा। उसने भीख मांगी कि भाई मुझे विधान परिषद दो तो भी चलेगा, लेकिन मुझे साथ में आना। पूरे महाराष्ट्र में कोई चर्चे का विधानसभा है तो कलवा उमरा विधानसभा है, नजीमुल्ला यहाँ से उम्मीदवार है, उनके लिए प्रचार सभा में आए थे, किस तरीके से प्रचार के माध्यम से लोग करना चाहते हैं? मैं नहीं मानता कि महाराष्ट्र में कलवा उमरा की चर्चा तो बढ़ लिखी यहाँ तो चर्चा है। इस बार कलवा उमरा की जनता ने तय किया है कि सही आदमी को चुनके देना और इस चुनाव में कलवा उमरा को नहीं देना। सर महाराष्ट्र मध्ये जिथं जिथं आहे घड्याळ, म्हणलं आज भाषण सुद्धा सही बघ घड्याळ, त्यामुळं या वेळेस कळवामध्ये इथल्या मायबाबतीत करून इतके दिवस आपण भेटलो, एक व्यक्ती देशाच धर्माच वेगवेगळ्या पद्धतीचं राजकारण करून इथल्या लोकांची मतं घेतात, इथल्या लोकांना फसवायचं, त्यांच्यावर विवाह करायचं, आता हे लोकांच्या लक्षात आहे पण परिवर्तन होणार आणि नजीबुल्ला इथे आपल्या सर भाषणामध्ये एक उल्लेख केलेला आहे, ज्यावेळेस भाजपला समर्थन द्यायचं होतं, सरकारला समर्थन द्यायचं होतं, त्यावेळेस काय नेमकी घटना घडली होती तुम्ही त्याच्या पलीकडे आणखी सविस्तर सांगायचं तर फार वेळ लागेल, विस्तर शब्दांश सांगू शकतो काय नेमकी ती घटना घटना काय की ज्या वेळेस मी भाषण सांगितलं तो मुद्दा जर घेतला, एक सरळ सरळ 53 आमदारांच्या सह्याचा विषय घेऊन भारतीय जनता पार्टीला समर्थन देण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या आदरणीय पवार साहेबांच्या परवानगी हा जो झाला 53 आमदारांच्या सह्या त्याचा ती पत्रावळीची फ्री हे सगळं होणार असं लक्षात आल्यानंतर माननीय अध्यक्ष विधानसभेचे यांच्या चेंबरमध्ये अँटी चेंबरमध्ये माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ अजित दादा छगन भुजबळ साहेब मी आणखीन एक दोन मान्यवर नेते इथले आमदार त्यावेळेस ही परिस्थिती सत्य होणार हे लक्षात आल्यावर हात जोडून अशी काही दया करा म्हणून किंवा माझा तर आता मतदारसंघ गेला आता तुम्ही मला विधान करतो प्रति वस्तुस्थिति एक चौकशी। सर मुमरा में जो है बीजेपी का टैग ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और नजीबुल्ला को जो है बीजेपी का फेस बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा यहाँ पर चर्चा हो रहा है उसको लेकर। देखिए मैं ये नहीं मानता हूँ, आप जिस तरीके से बता रहा हूँ शायद ये यही तो चीज है कलवा मुमरा में होते रहते, एक चीज का एक पक्ष का एक विचारधारा का विरोध बताना और गरीबों का वोट लेना, गरीबों को और गरीब और दुनिया में इसके लिए ये भी जो इस तरीके से राजनीति के लिए ये बंद होनी चाहिए। सर इसमें नीतीश राणे ने जो हाल ही में बयान दिए थे जो अपना जीतेंगे 23 तारीख के बाद तो मस्जिदों से आप भूंगे उतार लो, ऐसा करके भी मतलब कहीं ना कहीं से टिप्पणी इस चुनाव में की जा रही है, इसको लेके आप क्या कहते हैं? इस चीज का हमने कभी समर्थन नहीं किया, हमारे पार्टी ने समर्थन नहीं किया, इस चीज का विरोध राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता अजय दादा ने भी किया और उन्होंने जो बात की हम कार्यकर्ता उस पर। सर आमदार जितेंद्र आवार का कहना है कि अपोजिशन जो है हमेशा मेरा नाम लेके ही स्पीच करती है, हम उन लोगों की बुराई नहीं करेंगे, हमने सिर्फ डेवलपमेंट पे काम किया और इसी पे बताया। आप बुराई करने में शायद डर लगता होगा, इतने दिन तो बुराई करते आ रहे हैं, हवा का रुख तो समझ में आता है। संन्यासाच्या विषयी
कुणी काय करा हा विषय वेगळा, पण एक व्यक्ती जर सर्वांचं भलं करत असेल त्या बाबतीमध्ये काय ही विचार झाला? काँग्रेस की कशावर टीका करा? उद्या तुमच्या दाढीवर तुम्ही केसावर पण करतील काँग्रेस आहे सर। जो बयान है बटेंगे तो कटेंगे, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? जिससे बात बताओ, जो बात दादा ने कही है उस पे मैं एक मत, बराबर है। विषय क्या है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, इसकी राजनीति कुछ शायद आपको भी ये सब कुछ होना है। सर रामगिरी के मसले में क्यों नहीं आप लोगों ने कुछ कहा? पैसा कितना यूनिट लिया जा रहा है, क्या ले जा रहा है, जिस तरह से आप लोग मंच से खुलासा कर रहे हैं कि मीटर का पैसा ले रहे हैं, तो उसका भी खुलासा देखिए। मेरा यूनिट है या क्या है जो बात है वो रिकॉर्डिंग आपके सामने नजीब मुल्ला ने बताई थी, कौन क्या कर रहा है, मीटर में क्या कर रहा है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि कहीं ज्यादा चीजें के स्कैम बने दिखे, लेकिन एक ऐसी चीज है कोई इलेक्ट्रिक मीटर में भी पैसे खा सकता है जो सामने आया। अब कितने यूनिट पे क्या, इसकी जांच होगी तब सब सामने आएगा। सर